गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, नीट का पेपर बहुत नज़दीक है और इतना नज़दीक है कि अब समय बिल्कुल भी नहीं रह गया। ज्ञानी बायोलॉजी क्लासेस और स्काइप एमटी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो लोग भी नीट की प्रिपरेशन 2021 के लिए कर रहे हैं, वो सब बायोलॉजी के लिए ज्ञानिस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन करके अपनों को जो अब तक पूरे साल पढ़ा हुआ है टेस्ट के थ्रू, यानी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पेपर का, उसके थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर लें और बहुत अच्छे से इम्प्रूव करें। बच्चों, आप सब लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्काइप एमटी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जिससे कि आप इस क्लास को बेहतर ढंग से ज्वाइन कर सकें। प्लस आप अगर चाहें तो आप अपने दोस्तों को भी इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए कह सकते हैं जिससे उनका भी इम्प्रूवमेंट हो सके। बच्चों, हम सब ने नीट को इस समय जो पहला फेज मैंने क्वेश्चन का कराया, मैं प्रति दूसरे दिन, हर दूसरे दिन बेटा यूनिट वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 90 क्वेश्चंस। कल किसी कारण से बेटा एक आधा चैप्टर हो पाया था यूनिट का, तो मैंने उसको आज कंप्लीट करने को कहा। कल बेटा मैंने सेकेंड बुक, ट्वेल्थ की जो बुक है बेटा, उसकी यूनिट 7th यानी कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के क्वेश्चन कराए थे, और जो थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए थे उस समय आज करा रहा हूँ। बाकी बेटा 2, 4, 6 में मैं इस यूनिट वाइज क्वेश्चन कराऊँगा, उसके बाद मॉडल पेपर कराऊँगा। सारे पेपर्स मॉडल होंगे, उन्हें आप देंगे। तो आप सभी लोग बेटा स्वयं भी इसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को भी लिंक भेज दीजिए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बेटा, आज का पहला क्वेश्चन कल के क्वेश्चन से कंटिन्यू कुछ इस प्रकार से होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग द टू ब्लॉक्स ब्लैंक्स। बताएं बेटा, द फंक्शनिंग एलील्स विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज ए एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द बी एलील। बताएं, 7th नंबर क्वेश्चन पढ़ा हुआ है सेनोवर और चांदनी, क्या आंसर होगा? फंक्शनल एलील एंड मॉडिफाइड एलील, याद आ रहा बेटा? देखो बच्चों, कहीं पर भी ये दो एलील हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। जो डोमिनेंट है वो अनमॉडिफाई है, जो रिसेसिव है वो मॉडिफाई है। जो डोमिनेंट है वो वाइल्ड है, जो रिसेसिव है वो म्यूटेंट है। आंसर इज बेटा 3rd। इन द डायहाइब्रिड क्रॉस राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स आर क्रॉस्ड, हाउ मेनी ऑफ देम विद रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स वर सीन। कितने रिकॉम्बिनेंट होंगे बेटा? कितने रिकॉम्बिनेंट होंगे बेटा? तालिब, 7th का 3rd हो गया सही है, 8th का बोलो बेटा। आंसर आपको ही बताना है, उसके बाद मैं बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 8th का आंसर सेनोवर, तालिब, चांदनी। चलिए मैं दे रहा हूं, रेशियो होगा 9-3-3-1, पेरेंटल डोमिनेंट,
रिसेसिव 10:6, 10 पेरेंटल हैं, 6 रिकॉम्बिनेंट हैं, 6 आउट ऑफ 16, 6 बेटा रिकॉम्बिनेंट हैं। इस प्रकार से एर्थ का आंसर होगा 3। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, किसने किया? क्वेश्चन नंबर 9th, सेनेवर एर्थ का 3rd होगा बेटा। तालिब 10वें 8वें का 3 था। जो लोग भी ऑनलाइन हो वो सारे लोग चैटिंग में जरूर शामिल हों। 9th का 1st चांदनी, वेरी गुड बेटा, बहुत खूबसूरत। 9th इज 1st, कब की बात है? 1902। एंड्रोसोफिला रेड आई कलर इज डोमिनेंट टू व्हाइट आई एंड द सेक्स रिंग, व्हाट रिजल्ट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन रेड आइड मेल एंड व्हाइट आइड फीमेल? क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 10th, आनंद कुमार गुप्ता ने 9th का 1 दिया है, ठीक है। 10th का आंसर लगाना बेटा। क्या तालिब ने दूसरा दिया है? कैसे लगाओगे बेटा? रेड आइड मेल यानी मेल में ये क्रोमोसोम और ये है, इस पर बेटा प्लस है रेड, और फीमेल जो है दोनों क्रोमोसोम ऐसे हैं, स्मॉल डब्लू हैं। अब सोचो बेटा, ये और ये बनेगा तो प्लस डब्लू कौन होगी? फीमेल। ये और ये बनेंगे तो क्या बनेगा बेटा? वाई क्रोमोसोम और ये डब्लू, तो रेड आइड बेटा फीमेल होगी, व्हाइट आई बेटा मेल होगा। आंसर बोलो बेटा कौन सा है? सेकंड, ऑल फीमेल रेड आई एंड मेल व्हाइट आई, 10th इज 2nd, वेरी गुड बेटा। जिन्होंने भी सॉल्व किया है, तरीका यही है, क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिए। वाई क्रोमोसोम पर जीन नहीं होता है, मेल में एक्स वाई होता है ड्रोसोफिला में, और एक्स पर बेटा रेड है और ये इसके दोनों पर वाइट होगा क्यों रिसेसिव है, सो दैट 10th इज 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सो टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इंसेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एक्सओ टाइप बताना बेटा। कैसे सॉल्व करना पसंद करोगे बेटा? एक्सओ मेल है, फीमेल बेटा एक्स एक्स है, इसमें सारे एक्स 100% एक्स होंगे, इसमें बेटा 50% स्पर्म विद एक्स एंड 50% स्पर्म विदाउट एक्स।
बोलो बेटा, आंसर इज 30। हाँ ये भी सही है। अच्छा ये फीमेल हम लोग ये नहीं देख रहे ना, हमें ये देखा जा रहा है एक्स जीरो टाइप में, तो मेल को कंसीडर करोगे या फीमेल को, ये ध्यान दो। गलत कहा गया। अच्छा, गलत कहा गया, यस इनकरेक्ट। ओके बेटा मैं करेक्ट कर देता हूँ अपने आंसर को, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। आइए बेटा कौन सा लगेगा अब, ऑल एक्स कैरी वन एक्स क्रोमोसोम, सही तो है ये। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 50% एक्स कैरी वन एक्स क्रोमोसोम एंड 50% कैरी वाई क्रोमोसोम। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऑल स्पर्म कैरी वन एक्स क्रोमोसोम। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ दो आंसर है बेटा, लेकिन क्वेश्चन कैसा दे रहा है, इन एक्स नॉट टाइप ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स इन द इंसेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ जो क्वेश्चन दे रहा है स्पर्म के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये भी सही है आंसर और ये भी सही, पहला और चौथा बेटा दोनों हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ आर। करेक्शन लगा लो इसमें जरा ठीक करने के लिए, पहला भी सही है फोर्थ भी सही बेटा, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। सनेवर तालिब चांदनी, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। आपका पहला आंसर भी सही है, एक प्रकार से कह सकते हो नीट के लिए कॉमन पेपर, कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। करेक्शन देखो लगा लो, हिस्टोन प्रोटीन रिच इन बेटा, आंसर बोलो बेटा ट्वेल्थ का, हिस्टोन प्रोटीन रिच इन, आंसर बेटा आपको ही बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। हिस्टोन प्रोटीन रिच इन मेरे बच्चों, बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। आंसर इज फोर्थ, 18 का फोर्थ इज करेक्ट। साइन डालगार्नो सीक्वेंस इन बैक्टीरियल एमआरएनए इज, साइन डालगार्नो सीक्वेंस किसे कहते हैं बच्चों, पता है बेटा, एमआरएनए का ये पॉइंट जो 5 डेज सिरे पर होता है, इनिशिएशन कोडान इज नोन एज एसडी रीजन। बाकी वैसे भी आपको बेटा स्टॉप कोडान नज़र आ रहे हैं, उवा उगा उग, एसडी रीजन इनिशिएशन वाला है बेटा। ये 19th का पहला कोडान लग रहा है एयूजी, साइन डालगार्नो रीजन बेटा प्रोक्रास्ट में इनिशिएशन वाले पार्ट को कहा जाता है, ये टर्म एनसीईआरटी की नहीं है। गिवन बिलो फोर स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्च ऑफ जफार जेनेटिक मटेरियल, चलो बेटा पढ़ो एंड सही आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 20, कहीं कोई गलती ना रह जाए बच्चों। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन बाय मिस्टर एंड द प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। यस बेटा, इन्होंने 1869 में किया था बेटा, है ना, और जो मेंडल का प्रोपोजिशन था 1865, लगभग सेम टाइम। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू,
फिर सेकेंड पॉइंट बच्चों, बाई 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेरी मेटल हैड रीच द मॉलिकुलर लेवल, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू बेटा। बायो केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे, क्यों ग्रिफिथ तक माना जाता था दैट प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने वर्क किया 1928 में किसके साथ बेटा, अगर ये बात कहोगे तो कहोगे स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू। सो दैट बेटा आंसर इज ए बी सी एंड डी, ये सब सही हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लग जाएगा फर्स्ट, चांदनी, बहुत अच्छे बेटा चांदनी। एक काम करना बेटा कि आप कुछ मटेरियल घर से कलेक्ट करा लेना दो तीन दिन बाद क्वेश्चंस को, ठीक है। और दो चीज़ें सॉल्व करनी है आपको, एक तो हमारी बायोलॉजी वाली जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसे बेटा चैप्टर वाइज पूरी सॉल्व कर लो, और कुछ क्वेश्चन हम देंगे चैप्टर वाइज 38 चैप्टर के, आपको 90 क्वेश्चन हर चैप्टर के वो निकाल देंगे, तो उसे मंगा लेना बेटा कभी। ओके चांदनी, चलिए आगे बोलता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर एंटिटी इज फॉल्स, बोलो बेटा इनमें से कौन सा गलत है। 21, ये बेटा सही है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि डीएनए की यूनिट क्या है तो क्या बताओगे, इसका नेचर क्या है, ये बेटा एंजाइम है, तो इसकी यूनिट बेटा अमीनो एसिड है, और ये बेटा न्यूक्लिक एसिड है तो इसकी यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। 21 इज फोर्थ, वेरी नाइस चांदनी और सनोवर। अबाउट टीआरएनए, क्या सच है, अबाउट टीआरएनए क्या सच है, नो इंट्रा बेस पेयरिंग। देखो बेटा ध्यान से सुनना है, टीआरएनए का ये क्लोवर लीफ मॉडल है बच्चों, हम आपको डिस्कशन भी करा रहे हैं, हम आपको रिवीजन भी करा रहे हैं, यहाँ पर बेटा पेयरिंग होती है, दिस स्टेटमेंट इज नो, हाँ दिस स्टेटमेंट ट्रू, नो इंट्रा तो ये गलत हो गया ना, होती है पेयरिंग पाई जाती है, क्लोवर लीफ पैटर्न, क्लोवर लीफ मॉडल कहलाता है बेटा। कैसा मॉडल है, क्लोवर लीफ मॉडल सही है, आंसर सही लगाया। इन्वर्टेड बेटा एल शेप्ड मॉडल कौन सा था, प्राइमरी वाला है। ओके 23, बोलो बेटा ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम पॉलीमराइजेस द ओकाजाकी फ्रेगमेंट, बेटा ओकाजाकी फ्रेगमेंट को कौन पॉलीमराइज करता है, आंसर बता दोगे प्यारे प्यारे बच्चों, राजा बेटा बन जाओगे, गलत बताओगे तब भी राजा ही बने रहोगे क्योंकि सुधार करोगे।
चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, जब तक आप आंसर देते हैं मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेटा जब ये डीएनए अलग होगा, ये 3' सिरा होगा, ये 5' होगा, यहाँ 5' से 3' से कंटिन्यूस बनेगा, यहाँ बेटा यूं बनेगा, और पॉलीमराइजेशन के लिए जो नेम लगेगा वो चाहे कहीं भी हो थर्ड ही लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो 23 का आंसर होगा बेटा 4th आंसर। इसका मतलब है यहाँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट को पॉलीमराइजेशन की बात बोल रहा है, एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ने की बात बोल रहा है, ना कि डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने की बात कह रहा है। इसलिए दोनों स्टैंड पर बेटा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये नहीं बेटा, ये 23 का 4th आंसर है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की दो शर्तें थी, याद आ रहा होगा तालिब, 23 का पहला नहीं लगे तो आरएनए लगा दिया, बिल्कुल बेहू गलत बात, रेप्लिकेशन में आरएनए पॉलीमरेज का कहीं कोई काम नहीं है। इसलिए 23 का फर्स्ट बिल्कुल गलत है, 23 का बेटा 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज किससे क्या करती है बताना है। लेकिन नॉर्मल में तो थर्ड है ना, नॉर्मल डीएनए का पॉलीमराइजेशन डीएनए पर थर्ड ही करता है। ट्वेंटी फोर्थ क्या पढ़ो बेटा अच्छे से, सिग्मा फैक्टर सब यूनिट क्या कहलाएगा 24 का, याद आ रहा है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताऊंगा बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बताने चल रहा हूँ बेटा। पहला पॉइंट बोलूँगा मैं, इस डीएनए हेलिक्स को खोलने का काम कौन करेगा, कौन बताएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो नाम बताओगे आरएनए पॉलीमरेज। फिर बेटा इस साइट पर सिग्मा फैक्टर लगेगा, इनिशिएशन का काम कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर। फिर बेटा इलांगेशन का काम कौन करेगा, सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। फिर बेटा टर्मिनेशन का काम कौन करेगा, सिग्मा के साथ रो फैक्टर, याद है कल क्वेश्चन किया होगा। चलो कोई बात नहीं, यहां पर आंसर बेटा लगेगा थर्ड। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर मिसिंग होलोएंजाइम कहेंगे, टर्मिनेशन में रो फैक्टर यहां होलोएंजाइम कहेंगे, इन बीच में बेटा आरएनए पॉलीमरेज, ओपनिंग ऑफ डीएनए एंड इलांगेशन। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा करो, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए द सीक्वेंस ऑफ बेसिस पेयर, वन स्टैंड ये है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द अदर स्टैंड, आराम से बता दोगे बेटा, यस चैनल ओवर रो फैक्टर टर्मिनेशन में है। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए बच्चों, सरल क्वेश्चन है इसलिए मैं आगे बढ़ जाऊं, 4th इज करेक्ट। आगे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करो, बेटा बहुत सरल है क्वेश्चन, डार्विन इंप्लाइज नेचुरल सिलेक्शन एज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, 26 का फर्स्ट इज द करेक्ट, करेक्ट बेटा, तो 26 का बेटा फर्स्ट होगा, शनिवार तालिब चांदनी, कई लोग बेटा ऑनलाइन हैं लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 लोग आंसर दे रहे हैं, 26 का बेटा फर्स्ट है,
गुड बेटा सेनोवर 27 एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन विलुप्त तो हो गया है? कौन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? तो आप जवाब दोगे बेटा सारे विलुप्त तो हो गए हैं, ऑल इज करेक्ट। तो 27 का बेटा फोर्थ आंसर इज करेक्ट। 28 में आए बेटा, लार्ज डिफरेंस अराइजेस सडनली इन ए पॉपुलेशन वॉज द स्टेटमेंट ऑफ, किसने कहा कि अचानक किसी पॉपुलेशन में अंतर आ जाते हैं? 38 का बेटा, किसने कहा पॉपुलेशन में अचानक परिवर्तन आ जाते हैं? बेटा अचानक परिवर्तन को क्या कहते हो बेटा? म्यूटेशन, और कोई चेंज नहीं है। तो आंसर क्या लगेगा? ह्यूगो डी ब्रीज। सिंगल स्टेप क्वेश्चन था। 38 का फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इज 16% ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इन ए पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन बेटा 16% पॉपुलेशन है, प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट 16% है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील क्या होगी? आप जवाब दें, मैं इसका आंसर बताऊंगा बहुत अच्छे से और बहुत प्यारे से। आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का, आपके आंसर के बाद ही मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। और इसका एक छोटा सा चार्ट भी दूंगा कि अगर वो आप समझ लें तो जल्दी से आंसर लगा देंगे, यानी आप यूं कह सकते हो, इसको मैं आपको डिटेल भी कर दूंगा बहुत अच्छे से बेटा। लगा के बताइए आंसर पहले 39 का। जब तक आपका आंसर नहीं तब तक मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं। आपके आंसर के बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन होगा। 39 का दो लगाया है किसी ने, तालिब ने, सेनेवर और चांदनी का आंसर भी आ जाए तभी मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा। चलो शनिवार ने भी दो लगाया है, हाँ अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, इतनी आसानी से गलत हो जाता है मुझे उम्मीद नहीं थी। शुरू करें बच्चों, आइए ध्यान से सुनिए बेटा। ये है एक पॉपुलेशन, इनकी संख्या बेटा 25% है, अच्छे सुनना क्यों बेटा, दोनों का गलत हुआ है इसलिए। तालिब और शनोवर कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कितना सरल क्वेश्चन जेनेटिक्स का बेटा, एनसीईआरटी का है, और अभी आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, दो मिनट का समय देना बेटा। यहाँ पर कैपिटल ए 4 बार है, स्मॉल ए भी 4 बार, दोनों बराबर बराबर बार हैं बेटा। और आप जानते हो हार्डी वेनबर्ग कहते हैं इक्वल टू 1, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1,
बेटा यहाँ पर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.5 है और स्मॉल ए के भी 0.5 है, यानी ए प्लस ए बराबर 1 है। लेकिन अब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अगर बेटा रिसेसिव ट्रेट फ्रीक्वेंसी ये 16% हो जाए इसका मतलब है, जानते हो, तब ध्यान सुनिए बेटा। अब मैं यहां लिखूंगा, जब रिसेसिव ए 25% है तब इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 है, जब रिसेसिव ए 16% हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी, 0.4। और ये फ्रीक्वेंसी बेटा 9% हो जाएगा तो बेटा स्मॉल ए 0.3 हो जाएगी, सॉरी ये 9% हो जाएगी तो 0.3 हो जाएगी। अब बोलो अगर ये स्मॉल ए बेटा 0.2 हो तो ये कितनी हो जाएगी, 0.4, 4%। और बेटा अगर ये फ्रीक्वेंसी 0.1 होगी तो बेटा ये 1 हो जाएगी, 1%। अब सुनो बेटा, ये 1% पॉपुलेशन होगी, ध्यान से सुनना बेटा, जब रिसेसिव एलील 1% होगी तो इसकी पॉपुलेशन 1 होगी, 99 बेटा ऐसे नजर आएंगे, समझे। इस प्रकार से जब निकालोगे तो बेटा जब ये 16% होंगे तो मुझे डोमिनेंट एलील निकालना है 16% में, स्मॉल ए 4%, तो बेटा कैपिटल ए 0.6। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बस मेरी बात समझे बेटा। स्मॉल ए यहां 0.5% 0.5 एलील है, स्मॉल ए यहां 0.4 है, स्मॉल ए यहां 0.3 है, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी यहां 0.2 है, स्मॉल ए यहां 0.1 है। जब बेटा स्मॉल ए 0.5 है तो कैपिटल ए भी 0.5 है, स्मॉल ए 0.4 है तो कैपिटल ए बेटा 0.6 है, स्मॉल ए 0.3 है तो कैपिटल ए 0.7 है, स्मॉल ए बेटा 4 है तो कैपिटल ए 8 है, स्मॉल ए 1 है तो कैपिटल ए 0.9 है। मेरी बिटिया सेनोवर, अब ये चार्ट लिख लेना मेरे बच्चे कॉपी पर, इस क्लियर आए। अब ये पॉपुलेशन भी लिख लो बेटा। अब बेटा अगर ये 16% होगी तो ये कितनी होगी, तो 0.6 × 0.6 ये 36% होगी, ये 9% होगी तो ये कितु 0.7 × 0.7 49%, ये 0.4 54% होगी तो ये कितनी होगी, 0.8 × 0.8 64% बेटा, ये इतनी होगी तो ये कितनी होगी, 0.9 × 9 81% पॉपुलेशन। इस क्लियर। अब सुनिए बेटा, जब किसी एलील की फ्रीक्वेंसी 0.1 हो तो पॉपुलेशन 1%, 0.2 हो तो रिसेसिव पॉपुलेशन 4%, 0.3 हो रिसेसिव की पॉपुलेशन 9%, 0.4 हो रिसेसिव की 16%, 0.5 हो रिसेसिव की 25%, 0.5 हो डोमिन 25, 0.6 हो तो चाहे कोई भी हो बेटा, याद हो जाएगा बच्चों, इज क्लियर। चार्ट बना लो सभी लोग, आंसर देने वाले कम हैं, व्यूवर्स ज़्यादा हैं, कोई बात नहीं बच्चों, जो लोग व्यू कर रहे हो आप लोग चैटिंग पर आ जाइए।
ठीक है। अगर आप लोग चैटिंग पर आएंगे तो मैं आपका एक फ़ोन नंबर देंगे, तो क्या मैं बना सकता हूँ आपका ग्रुप? क्यों भाई, एक ग्रुप बना देंगे, लिंक जाने लगेगा, आप साथ काम करने लगोगे, अलग से नया ग्रुप बना दूंगा आप सबका, यूट्यूब चैनल ग्रुप, सबको बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। अभी 45 दिन समय, एक घंटे मेरे साथ बिताइए आप प्रतिदिन, ज़्यादा नहीं बेटा, एक घंटे बिताएंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला, कॉन्सेप्ट रटना तो है बट सेनवर देखा ना, क्वेश्चन कैसे गलत करोगे आप, नहीं कर पाओगे। तो बच्चों, अगर आप इसमें ग्रुप करोगे तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, ग्रुप बनाने के लिए फ़ोन नंबर चाहिए होता है। इस नंबर पे अगर आप एक मैसेज कर देंगे तो हम आपको जोड़ लेंगे, और फिर आपके पास इसकी बेटा एक कॉपी भी पहुंच जाया करेगी। ग्रुप में भेजना अच्छा रहता, अलग अलग बेटा नहीं हो पाता। यूट्यूब चैनल का क्वेश्चन एक्सप्रेशन करके मैं ग्रुप बना दूंगा, एक्सप्लेनेशन, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तालिब देखो, सेनोवर देखो, हर तीन क्वेश्चन के बाद एक खूबसूरत क्वेश्चन आता है आपके लिए। बेटा मेरा क्वेश्चन हमेशा, मैं कहता हूँ कि पेपर बनाओ तो एक्सप्लेनेशन बढ़िया हो उसका। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर केम अराउंड, ये तो बेटा अच्छा सा है, लगभग 10,000 साल पहले बेटा, ठीक कर दें। इफ वी कंपेयर द कंपेरिजन द स्कल ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन एंड चंपांजी, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बताएं बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 का जो लोग इस नंबर पर बेटा मैसेज करेंगे उनको ये सुविधा मिल जाएगी, नीट तक सुविधा रहेगी, जो भी क्लास लेंगे उसका हार्ड कॉपी पेपर की मिलेगी, अच्छे से दोबारा कर सकते हो अच्छे से बेटा। 41 स्कल ऑफ बेबी चिंपांजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल, एडल्ट नहीं बेबी, यानी इसका मतलब कह रहा है कि हम लोग नीचे के स्तर पे ज्यादा समानता रखते हैं कंपेयर टू तो ऊपर के स्तर, जैसे बच्चे सब एक जैसे नजर आते हैं, एडल्ट होते हैं तो मेरी मॉर्फोलॉजी बेटा बदलती जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, रीड द फॉलोइंग एंड टेक द करेक्ट वन, टायरेनोसॉरस रेक्स जो है 20 फीट, ये सही है बेटा। फर्स्ट मैमल्स वर लाइक द श्रूज, ये भी सही है। रामापिथेकस वॉज मोर लाइकली द एप, गलत है बेटा, सही है ना, रामापिथेकस मोर लाइक द एप, मैन होता है ना, हाँ मैंने याद कर, रामा राम की तरह। ठीक बेटा, तो ये बेटा रॉन्ग हो गया और ये सही हो गया। ठीक, आंसर इज ए बी सी स्क्वायर, नहीं कौन सा गया बेटा, गलत बोल दिया क्या, कहाँ डिस्टर्ब कर दिया, ठीक ये सही है बेटा, ये सही है, ये 680 ना,
ये 680 है, ये रॉन्ग है। आंसर इज बेटा ABC। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा, होमो इरेक्टस। प्रो जिम्नोस्पर्म वर इवॉल्व ड्यूरिंग, फिगर से क्वेश्चन बेटा। फोर्टी फोर का कहां से लगा बेटा, फिगर देखो जल्दी से। डेवोनियन इज द करेक्ट आंसर प्रो जिम्नोस्पर्म में। 44 इज फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सेलेमेंडर सर। पूर्वज पूछ रहा है, फिशेस होंगी या उससे और पीछे जाएंगे। पूर्वज इक्टियोफिश तो खुद ही एम्फीबियन है, अब प्रेजेंट डे है वो तो सिमिलर हैं। जल्दी बोलो बेटा, 45 शीला कैंट जो विलुप्त हो गए हैं। 54 क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस वर्ड इन द ईयर, ये अभी क्वेश्चन में आया था 1902। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरे भाई बड़ी जगह दे दी। ड्रोसोफिला कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक, ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। वेरी टाइटली लिंक्ड जीन्स शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन ना, हाँ यह सही है। जीन जितनी नजदीक हो रिकॉम्बिनेशन बेटा कम होगा। ग्रास हॉपर में 100 टाइप पाया जाता है, सही है। एक्स वाई टाइप सेक्स डोमिनेशन इज सीन वेयर बोथ मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गलत है। आंसर इज ABC, आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56 बेटा, टू एलील ऑफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन, 56 बेटा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे शेनोवर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप सब। क्वेश्चन नंबर 56, यस बताएं बेटा। टू एलील ऑफ ए जीन पेयर्स आर लोकेटेड ऑन, बेटा ये है दो एलील, कैपिटल ए स्मॉल ए, नॉन होमोलोगस गलत, होमोलोगस साइट्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, दूसरा सही है बेटा। होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम जगह पर बेटा, डिफरेंट थोड़ी है, सेम क्रोमोसोम पेयर सेम साइट, नान सब तो लगे गए नहीं कहीं, नो नान, यहां भी नान आ गया, ये थोड़ी लगेगा, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये रहेगा बराबर बराबर पे। मेरे आंसर इस 56 का। हेलो नमस्कार भैया,
क्वेश्चन नंबर 57 बोलो बेटा, कम ऑन बच्चों, 57 करेक्ट ऑप्शन चुनना है। पढ़िए, बढ़िया सी किताब रिवाइज हो जाती है आपकी बेटा। क्वेश्चन नंबर 57, कम ऑन बच्चों, 11 बच्चे वॉच कर रहे हैं, आप सब लोग बेटा चैटिंग पर आ सकते हो। मैंने भी बताया, अगर आप लोग फोन नंबर पर अपना कांटेक्ट देते हैं तो आप शामिल हो जाएंगे, इस टीम के सदस्य हो जाएंगे, आपको इसकी एक सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी। 9792169 and 169 पर बेटा, या स्काई पीएमटी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। स्काई पीएमटी इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो तो भी आप तक आप पहुंच जाएंगे। बताइए बेटा 57 का आंसर। पढ़ता हूँ ठीक, अच्छे से पढ़ूंगा, याद हो जाएगा बच्चों। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहेब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड। करेक्ट है। टर्म रिकॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द जेनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इन एनी डायहेब्रिड क्रॉस वेयर जीन्स आर लोकेटेड द सेम क्रोमोसोम। यस बेटा, रिकॉम्बिनेशन का मतलब यही हो जाएगा। द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम वेरीज बिटवीन 0 to 50। हाँ बेटा, रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी 0 to 50 होती है और पेरेंटल की बेटा 50 to 100 तक होती है। दिस स्टेटमेंट करेक्ट। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना बेटा। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन द वाई एंड डब्ल्यू इज हायर देन डब्ल्यू एंड एम इन केस ऑफ ड्रोसोफिला सेक्स लिंक्ड क्रॉस। इसका मतलब ये है बेटा, ध्यान से सुनना, ये कलर के लिए है डब्ल्यू, सॉरी ये बॉडी के लिए है वाई और ये बॉडी विंग के लिए है एम। इनके बीच बेटा रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है, पेरेंटल कम होता है। इनके बीच रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा और पेरेंटल ज़्यादा और रिकॉम्बिनेशन सॉरी इनके बीच रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाता है ना, इनके बीच बेटा पेरेंटल ज़्यादा हो जाएगा। इनका रिकॉम्बिनेशन 1.3% है, इसका रिकॉम्बिनेशन 37.2 है। सो दैट दिस स्टेटमेंट द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज वाई एंड डब्ल्यू इज हायर। यस यस सर, इसमें लिंकेज ज़्यादा है, इसमें लिंकेज कम है। दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू। आंसर इज ऑल द फोर आर करेक्ट। बच्चों हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लेने चाहिए, कहीं कोई गलती ना रहे। द डिजीज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन सिंगल जीन। तो छोड़िए, इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 68, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लैम्डा बैक्टोफेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बच्चों लैम्डा बैक्टोफेज समझ गए होंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, याद आ रहा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इतने नहीं, इतने पेयर होने चाहिए बेटा, याद आया। नंबर ऑफ एन ग्लाइक्रिक बॉन्ड इतने नहीं, इससे डबल होने चाहिए, दो स्ट्रैंड है ना। नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इतने नहीं, डबल से दो कम होने चाहिए बस। नंबर ऑफ प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन, यही सच है। डन बेटा, ऑल ऑफ यू डूइंग बेहतर बेहतर, बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे बच्चों। ध्यान रखो बेटा, किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे कदम रखते हैं। आप लोग जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ा है, सब कुछ बेहतर रहा है, बस थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। 68 का 4, गुड बेटा सेनोवर। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाओ बेटा।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लिक एसिड इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन थायमिन एंड यूरेसिल आर टू। सही है बेटा, दोनों बेटा कैसे हैं, सिंगल रिंग। इसके पहले और तीसरे पर क्या प्रेजेंट होता बेटा, नाइट्रोजन इज करेक्ट, ये बेटा ट्रू है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस इन ग्वानिन इज फाइव, ग्वानिन बेटा कितने होते हैं, पांच, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है बेटा, डबल रिंग है, याद आया, वन थ्री सेवन नाइन पे होते ही होते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पर भी एमिनो ग्रुप लग जाता है NH2 तो हो जाते हैं पांच। इज दिस स्टेटमेंट आल्सो ट्रू, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन थायमिन, दिस इज आल्सो ट्रू, सेवन मिथाइल ग्वानोसिन इज पार्ट ऑफ mRNA, यूकेरियोट में mRNA, इसलिए 69 का बेटा चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ऑफ वन हेलिक्स ऑफ डीएनए इज 3.4 नैनोमीटर या 34.34 एंगस्ट्रॉम। यूजुअल मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, वेरी गुड बेटा। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज फ्रेगमेंट आर ज्वाइंड बाय द एंजाइम, डीएनए लाइगेस से जुड़े जाते हैं मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करो, आसानी से, कुछ सरल क्वेश्चन भी हैं। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस इज ओकाजाकी, ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स प्रोटीन सिंथेसिस ओवर राइबोसोम, नो सिंथेसिस आरएनए फ्रॉम डीएनए, आंसर इज थर्ड। बहुत तेजी से भाग रहे हो, वाह वेरी गुड बेटा, आंसर लगाते रहो। टर्मिनेटर टर्मिनेटर फैक्टर्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज, जल्दी बोलो बेटा, सिंगल वर्ड वो क्वेश्चन है, रो फैक्टर, वेरी गुड बेटा। रीड द फॉलोइंग कोड ऑन सी ए सी 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 जी जी एंड सी सी, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोडेड बाय दीज, जल्दी बोलो बेटा। ये क्वेश्चन आपको वेट करके पूछूंगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 76। चलिए तालिब का 76 का तीन बोला है, 75 का दो, ठीक है। अब 76 का आंसर लगाना है, इस क्वेश्चन में वेट करूंगा आपके लिए, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ है, बाकी सरल है। बच्चा लोग सेवेंटी सिक्स, अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, देखो ध्यान करो बेटा, किसी भी टेबल को जो याद करने का तरीका था, जो मैंने कभी आपको डिस्कस किया रहा होगा, यू सी ए जी यू सी ए जी, बेटा किसी भी बॉक्स में ठीक है ना, सी सी ए, पहला बेस सी, दूसरा भी सी, ये देखो बेटा, ये चारों सी, यू सी ए जी, सभी के सभी प्रोलीन, ओनली वन प्रोलीन, वन काइंड ऑफ अमीनो एसिड, सर हमें सेशन अटेंड करने के बाद क्या करना चाहिए, बेटा तुम जैसे सेशन अटेंड करोगे क्वेश्चन करो मेरे बच्चा, हैं इन सब के साथ मिल जाओ, क्वेश्चन करो, ठीक है,
जैसे जैसे जुड़ोगे, दो चार दिन होगा तो आपको उसके बाद क्वेश्चन मिलेंगे। फिर बेटा मैं आपको कहूँगा कि आप जो है क्वेश्चन की हमारी क्लासेस लगातार करिए, क्वेश्चन मैं भेजूँगा उनको सॉल्व करिए, फिर उसके क्वेश्चन पूछ लिया करिए बीच बीच में, है ना। फिर आगे जुड़ते रहोगे तो बेटा हम आगे बताते रहेंगे क्या करना। आज तो पहला दिन है आपका, नाम मैंने देखा है। ओके बेटा, चलिए 76 सेनेवर सिख फोर्थ, वेरी गुड बेटा। आइए 77, टीआरएनए को पहले क्या कहते थे? एसआरएनए, सॉल्युबल आरएनए। गलतियों का अंबार लगा देते हो, पता भी नहीं चलता कि कब गलती कर गए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ बेटा? जल्दी बोलो बेटा, 2003 में। खूबसूरत, अबाउट ऑलमोस्ट, स्पेलिंग गलत है इसकी। ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर द सेम इन द ऑल पीपल एक्सेप्ट। सेम होते हैं कितने परसेंट को छोड़कर? 0.1%। आंसर इज फोर्थ। हाँ, एक्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो फिर एक साल 365 दिन दोगे, या जंगल वाले किसी या कॉलेज में पढ़े रहोगे मुजफ्फरनगर में, जो 30 तारीख को उद्घाटन करने जा रहे हैं मोदी जी, वहीं पढ़े रहोगे। एक्सेप्ट देखो जल्दी से। सेटेलाइट डीएनए क्लासिफाइड इनटू बेटा, एक ऑप्शन आखिरी में बेटा, क्या लगाएंगे? माइक्रो एंड मिनी बेटा। हाँ बेटा, तीसरा चौथा, तीसरा आंसर यहाँ लगाओ जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, खत्म हो गया क्या? 86 क्वेश्चन पढ़ो बेटा, एवोल्यूशन से रिलेटेड है, अच्छे से पढ़ो बेटा। ह्यूगो डी व्रीज बिलीव दैट इट इज म्यूटेशन विच कॉजेज एवोल्यूशन। ये बताते हैं मैं सही हूं। माइनर वेरिएशन को किसने बताया था? डार्विन ने, सही है। अबाउट और नॉट द कॉज, अरे यार, अच्छा इन्होंने कहा था कि नहीं है। माइनर वेरिएशन जो किसके थे बेटा? माइनर वेरिएशन दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट नॉट द कॉज ऑफ वेरिएशन अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज, सही। ह्यूगो डी व्रीज ने डार्विन नियमों को गलत कहा था। उनका था डार्विन के छोटे वेरिएशन, छोटे छोटे चेंज, माइनर वेरिएशन जो हैं वो इवोल्यूशन नहीं कॉज करते। स्टेटमेंट सही है बेटा ये, डार्विनियन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, सही है। डार्विन वेरिएशन छोटे और डायरेक्शनल है बेटा। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज सडन, गलत हो गया। डार्विन ने सडन नहीं कहा है, दिस इज गलत। और शायद कौन सा पूछा गया बेटा? अच्छा अभी आगे आएगा। कौन से करेक्ट है बेटा? ए बी सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 बच्चों, म्यूटेशन कैसे होते हैं? रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, कभी भी हो सकते हैं, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जनरली रिसेसिव और हार्मफुल होते हैं। When some members of the population migrate to another population and it occurs multiple time होगा तो बेटा जीन माइग्रेशन कहते हैं।
मल्टीपल टाइम होगा तो जीन फ्लो हो जाएगा, सॉरी माइग्रेशन एक बार, और बार बार होगा तो जीन फ्लो कहलाएगा। ड्रिफ्ट किसी पॉपुलेशन में सडन चेंज को कहते हैं, अचानक। ड्रिफ्ट ऐसे मानो कि 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक, और 10 बच्चों के सिलेक्शन होने की नितांत जरूरत है कि हाँ ये हो जाएंगे, बच्चा पढ़ रहे हैं, टॉप 10 सेलेक्ट होंगे, लेकिन अचानक वो बच्चा सेलेक्ट हो गया जो कि कुछ नहीं पढ़ता था, कभी कभी कोचिंग आता था, स्मॉल पॉपुलेशन थी उनकी, उनका चयन हो गया। 89, जाइंट फर्न वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 89, बड़े बड़े फर्न जो कभी पाए जाते थे सभी ने क्या बना दिया? कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट कार्बोनिफेरस पीरियड के रहे। प्रीहिस्टोरिक केव 18,000 पहले बनाई थी, किसने बनाई थी? क्रोमैग्नन ने। किसने बनाई थी बेटा? क्रोमैग्नन ने। इस प्रकार कल वाला रिमेनिंग पेपर आपने कंप्लीट कर लिया बेटा। देखो बच्चों, आराम से पेपर करना है। कल हम लोग ऑलमोस्ट सेम टाइम पर मुलाकात करेंगे, 10 बजे के आसपास या 9:30 बजे, 9 से इंतजार कर लेना थोड़ा सा। और बेटा फिर हम लोग यूनिट 6 सेकेंड बुक की फर्स्ट रिप्रोडक्शन पर काम करेंगे, ओके? तो चलिए, जो बच्चे भी जुड़े हैं, मैंने कहा स्काइप एमटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बेहतर रहेगा उनके लिए। शनोवर, तालिब, चांदनी, मोहम्मद उमर, अनुभव कैसा रहा जरूर लिखा करिए आप। आज के लिए गुड डे। कल बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यूनिट के साथ उपस्थित होंगे। आप जरूर देखते रहा करो कितने क्वेश्चंस आपके सही, कितने